हाँ जी जाकर नहीं है जाकर पानी में जाकर चलिए अल्लाह लाओ नो रस्सा खींचो जाओ जल्दी जल्दी करो रस्सा खींचो खींचो रस्सा खींचो जल्दी आओ जल्दी आप लोग पीछे हो जाओ सारे शोर मत करो निकलो साइड पे खड़े हो जाओ उधर पकड़ो यार आराम से आराम से आराम से आराम से साइड पे बैठा फॉरवर्ड भैया राम ना फड़िए ले उसे मिशन सक्सेसफुल चलो चलो शाबाश ना कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा बाकी का है पानी पिलाता हूँ चाय भी पिलाता हूँ कोई बात नहीं यह शुक्र करो आप बाहर आ गए कम होता है ये तो बिल्कुल चलो कोई बात चार पाँच छह सात सात माए कहाँ गए थे कहाँ गए थे आप लोग अंदर आज बारिश पड़ रहा सुबह तो बस मछली पकड़ने का चक्कर था ये क्या है उच्च दरिया के तेज पानी के बहाव में फंसे सात जिंदगियों को बाहर निकाल लिया गया है सकुशल यहां पर बाहर निकाल लिया गया है SDRF और राजबाग पुलिस की मदद से उन सात लोगों को जो श्रमिक हैं और जो उच्च दरिया के पानी में और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ है और कई घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला है SHO राजबाग तारिक अहमद की अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया था और सभी लोगों को जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है हालाँकि ये भी बताया जा रहा है कि जो उज का डैम है वहाँ पर भी बात की गई और वहाँ पर भी उनको लोगों को ये एक रिक्वेस्ट की गई अपील की गई कि पानी जो है उसको कम किया जाए SHO राजबाग हमारे साथ हैं सर ये बताएंगे कितने लोग पानी के बहाव में फंसे और कितना लंबा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है सरोजी जी ये कोई 5 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि सात लोग फंसे हुए हैं वहाँ दरिया में तो फिर हम लोग जब यहाँ आए तो दरिया में फंसे हुए थे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था हमने बड़ी कोशिश की पहले हमने 2-3 बार तो अपने लड़के रस्सा वगैरह डाल के भेजे थे तो उस टाइम तो कुछ हो नहीं पाया फिर उसके बाद SDRF की टीम भी आई तो पानी काफ़ी ज़्यादा था बहाव काफ़ी था तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया ऑलमोस्ट चार घंटे मान लें आप 4 घंटे के आसपास का ऑपरेशन चला है तो अब जाके आपके सामने ही हमने निकाला इनको सर किस तरह की मुश्किल थी इस ऑपरेशन में क्योंकि 2 चुनौतियाँ थी तेज पानी का बहाव और दूसरा अंधेरा सबसे बड़ी तो चुनौती वही थी तेज़ पानी का बहाव उसके बाद थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया था बट वो पानी कम नहीं हुआ तो बाकी उसके बाद अंधेरा भी हो गया था फिर SDRF की टीम को भी काफ़ी दिक्कत फील हुई फिर हमने वहाँ थोड़ा ये जो अपना उज बार्ज वाले चीफ इंजीनियर साहब हैं इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट की तो ये सरपंच साहब भी थे हमारे यहाँ जसरोटा वाले उन्होंने भी काफ़ी बार उनको वो कहा तो फिर जाके पानी कम करवाया तो अब जब पानी थोड़ा कम हुआ तो फिर SDRF की टीम और हमारी टीम ने मिलके तो इनको निकाला वहाँ से तो सभी सेफ हैं साथ के साथ लोग आ गए हैं पार सर किसी तरह की चोट इनको नहीं अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है अभी देखते हैं वेरीफाई करेंगे ये कहाँ से क्या लेने आए थे यहाँ वो सर ये बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो गया है और पुलिस की ओर से और ज़िला इंतजामिया की ओर से भी इस तरह के अपील जो है लोगों को की जाती है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं और इस तरह से लोग जो हैं उज दरिया जो कि इसका बहाव काफ़ी ज़्यादा रहता है क्या देखते हैं कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए और किस तरह से आगे रहेगा पुलिस का और क्या लोगों से अपील रहेगी बिल्कुल इसके लिए हमने डेजिग्नेट किए भी हुए हैं लोग बट अब इतना एरिया है तो किसी को कहां से कौन घुस जाए पानी में पता नहीं चलता है तभी पता चलता है जब कहीं फंस जाए बंदा तो कोशिश करेंगे आइंदा से हर पॉइंट पे कोशिश करेंगे किसी बंदे को लगा के तो वो किसी को जाने ना दें पानी में क्योंकि बरसात का कोई भरोसा नहीं है ऊपर बारिश होती है यहाँ बारिश नहीं होगी तो पानी तो ऊपर से नीचे आएगा ही आएगा बाढ़ का तो ये लगा रहता है लंबा ऑपरेशन जो है ये यहाँ पर राजबाग पुलिस की टीम और SDRF की टीम द्वारा यहाँ पर चलाया गया और सात जिंदगी
जिंदगियां जो इस तेज पानी के बहाव में यहां पर फंस गई थी उनको कई घंटे लंबे ऑपरेशन के दौरान यहां पर पुलिस ने यहां पर निकाल लिया है। और ये बताया जा रहा है कि सातों लोग जो इस पानी में बहाव में यहां पर फंसे हुए थे और कई घंटों से यहां पर फंसे हुए थे, यहां के लोकल्स द्वारा इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस को दी गई और पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस की ओर से अटेम्प्ट जो है बार बार यहां पर की गई, लेकिन SDRF की टीम को यहां पर बुलाया गया और अब कहीं जाकर ये लोगों को यहां पर बाहर निकाला गया है। और यहां के जो स्थानीय सरपंच हैं सुदर्शन खजूरिया, उनकी काफ़ी अहम यहां पर भूमिका। सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे बात। सरपंच साहब, कितनी बड़ी मशक्कत जो है यहां पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और यहां के स्थानीय लोगों को करनी पड़ी इन लोगों को बचाने के लिए? मैं धन्यवाद करता हूँ अपने SHO राजबाग तारिक साहब का, उन्होंने बहुत मेहनत की और ख़ासकर जो हमारे पंचायत के यूथ हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की। हमारे जो लड़के थे वो भी वो रस्सा लेकर पार उन्होंने किया और वो सात जो नौजवान लड़के थे उनको बाहर निकाला। और उसमें जो मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख हुआ कि मैंने चीफ इंजीनियर जो रावी तभी के हैं उनको मैंने फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ पर दो लाइनें बन जाती हैं, जहाँ एक तरफ जो पानी था मैंने उनको बोला कि दूसरी तरफ आप गेट को खोल दीजिए और इस तरफ का बंद कर दीजिए। तो उन्होंने पहले, अब मैं क्या बताऊं, चीफ साहब ने SC साहब को बोला कि उनको फ़ोन किया, उनका नंबर दिया, उसके बाद उन्होंने एक्सिल साहब का नंबर दिया, उसके बाद AW का, JE का और वो जो ऊपर बैठे हैं ऑपरेट करने वाले अपना बराज को उसके गेट को, तो उनके साथ हमने हमारी बहस भी हुई। तो लास्ट सरपंच साहब, साफ शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जो भी यहाँ पर मदद की है, मदद जहाँ मदद के लिए गुहार जो प्रशासन से लगाई गई, कामयाब हो पाए उस समय? बिल्कुल बिल्कुल, हम कामयाब हो पाए और हमारे जो जूथ है, जो हमारे पुलिस वाले हैं नौजवान SDRF वाले, उन्होंने भी मशक्कत की। देखो आप 9 के करीब टाइम हो गया है और हमें बहुत खुशी हुई है जो जो सात जो लड़के हैं वो हमने बाहर निकाले हैं। इसमें मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और जितने हमारी पंचायत के लोग हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं, जहां पे जो रात के अंधेरे में जहां पे आए हैं। थैंक यू, जय हिंद। उज दरिया के किनारे पे हम खड़े हैं, जसरोटा गांव है और जसरोटा गांव के सरपंच जो हैं सुदर्शन खजूरिया वो हमारे साथ हैं, उनसे बात हम कर रहे थे। उनका ये कहना है कि पुलिस, SDRF, स्थानीय लोगों की मदद से इन सात जिंदगियों को उज पानी के तेज बहाव से यहां पर सकुशल बाहर निकाल लिया है। उज दरिया की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा पानी कठुआ में उज दरिया में आता है, कई जिंदगियां जो हैं इस उज दरिया ने यहां पर ली ली हैं। ऐसे में किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, जैसे ही लोगों को सूचना मिली है, तुरंत राहत और बचाव कार्य यहाँ पर शुरू किया गया। और राहत और बचाव कार्य जब शुरू किया गया तो अब 9 बजे का समय हो चुका है और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अच्छी खबर कि जो जसरोटा गांव में उज दरिया में जो लोग फंसे थे उन सभी को निकाल लिया है। जसरोटा गांव से सरबजीत सिंह, JK मीडिया के लिए।